हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं सुजलोन एनर्जी के बारे में, जो बहुत ही बढ़िया कंपनी है और बहुत ही शानदार जो है फिलहाल आपको परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की। तो सबसे पहले अगर निफ्टी 50 की बात करें तो आज जो है 17,465 पॉइंट्स पे आके अपनी जो है क्लोजिंग देते हुए नज़र आया। लगभग 64 पॉइंट्स की गिरावट जो हमें निफ्टी 50 में आज देखने को मिली है, यानी कि पिछली क्लोजिंग जो है 17,530 पॉइंट्स पे थी और आज 0.37% की गिरावट जो हमें निफ्टी 50 में देखने को मिली है। लगातार तीसरे दिन जो है मार्केट करेक्शन में है, लगातार तीसरे दिन जो है आपको निफ्टी 50 और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में करेक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की भी बात करें तो 58,338 पॉइंट्स पे आके अपनी क्लोजिंग देते हुए नजर आया और जो है पिछली क्लोजिंग जो है वो 58,576 पॉइंट्स पे थी और आज लगभग 237 पॉइंट्स की गिरावट जो है हमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी देखने को मिली है। वहीं अगर सुजलोन एनर्जी की बात करें तो पिछली क्लोजिंग 11.35 रुपये पे थी और आज 10 पैसे की गिरावट के साथ 11.25 रुपये पे आके सुजलोन एनर्जी जो है अपनी क्लोजिंग देते हुए देखने को मिला है 0.88% की गिरावट के साथ में। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें तो लगभग 10,000 करोड़ का जो है मार्केट कैपिटलाइजेशन है और बहुत ही बढ़िया जो कंपनी है विंड टर्बाइन को लेकर जो है मैन्युफैक्चरर उसकी मल्टीनेशनल कंपनी है। तो और आने वाला टाइम जो आपको ग्रीन एनर्जी हाइड्रोजन का आने वाला है, तो जिसकी वजह से आपको इन स्टॉक्स में आने वाले टाइम में मल्टीबैग रिटर्न्स जो मिल सकते हैं। और वहीं अगर बीते एक महीने की बात करें तो एक महीने में स्टॉक ने लगभग 15% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो हैं अपने निवेशकों को दिए हैं। और जो आज का जो अगर हाई लो की बात करें तो देखिए ओपनिंग जो है वो 11.60 रुपये पे हुई थी, हाई लगाया 11.70 रुपये का और लो लगाया 11.10 रुपये का और 11.25 रुपये पे आके अपनी क्लोजिंग दी है। अगर वहीं बीते 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में लगभग स्टॉक ने 60% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो हैं अपने निवेशकों को दिए हैं और बहुत ही कम टाइम में जो है स्टॉक ने मल्टीबैग रिटर्न्स भी आने वाले टाइम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और स्टॉक से रिलेटेड हर न्यूज़ आपको इस चैनल पर हमेशा मिलती रहेंगी। तो चलिए अगर आज की बात करें तो वॉल्यूम देखिए क्या गजब के नंबर्स जो हैं वॉल्यूम में निकल के आए हैं। लगभग 3,78,51,383 शेयर्स का वॉल्यूम जो है हमें आज की डेट में सुजलोन एनर्जी में ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम कंपनी के ओवरव्यू की बात करें तो 20 दिन का एवरेज वॉल्यूम जो है लगभग 4.5 करोड़ शेयर्स के आसपास जो हमें देखने को मिला और 20 दिन की एवरेज डिलीवरी जो है वो लगभग 1.94 करोड़ शेयर्स के आसपास जो है एवरेज डिलीवरी उठाई गई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो एक्चुअल में है वो 10,323 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है और आज 3,78,000 शेयर्स की वॉल्यूम जो है हमें सुजलोन एनर्जी में देखने को मिली है। और बुक वैल्यू जो है नेगेटिव में 3.59 है, फेस वैल्यू जो है वो 2 रुपये की है और पी रेशियो जो है 28.02 का है। वहीं अगर टेक्निकल चार्ट की बात करें तो टेक्निकल चार्ट में देखिए 12 रुपये के आसपास का एक हाई लगाया था लगभग 9 रुपये के आसपास से और वहाँ से जो है मार्केट डाउन की वजह से हल्की सी करेक्शन जो है आपको स्टॉक में भी देखने को मिल रही है। RSI लेवल की बात करें तो RSI लेवल जो है ओवरबॉट जोन में चला गया था क्योंकि स्टॉक ने एकदम शानदार जंप जो है देखने को मिला था हमें और वहाँ से जो है हल्की सी करेक्शन जो है अभी देखने को मिल रही है स्टॉक में और जो RSI लेवल है वो भी अभी डाउन आ गया, यानी कि बाइंग जोन में जो है RSI लेवल फिलहाल आ गया है। वहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स की बात करें तो देखिए पहला सपोर्ट जो है वो 10.80 रुपये का, अगर यहाँ से और भी गिरावट होती है करेक्शन होता है स्टॉक के अंदर तो सेकंड सपोर्ट 10.25 रुपये और थर्ड सपोर्ट 9.85 रुपये का है। अगर यहाँ से जो स्टॉक अप्रैली में देखने को मिलेगा तो पहला रेजिस्टेंस 11.75 रुपये, सेकंड रेजिस्टेंस 12.15 रुपये और थर्ड रेजिस्टेंस जो है वो 12.70 रुपये का है। अगर मैं प्राइस वॉल्यूम की बात करें तो एक वीक में लगभग 3% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है स्टॉक ने दिए हैं और एक महीने में लगभग 12.5% के पॉजिटिव रिटर्न्स अभी तक दिए हैं और एक साल की बात करें तो एक साल में 130% के पॉजिटिव रिटर्न्स जो है इस स्टॉक ने अभी तक अपने निवेशकों को दिए हैं। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करें तो देखिए रिवेन्यू जो है वो 2017 में 12,714 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट किया था कंपनी ने और वहाँ से जो है हमें गिरावट देखने को मिली 2020 तक और वहाँ से 2021 में जो है आपको फिर से थोड़ा सा जो अप ट्रेंड में देखने को मिला है लगभग 3,345 करोड़ का जो रिवेन्यू जो है 2021 में कंपनी ने जनरेट किया था। अगर वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो देखिए शेयर कैपिटल जो है वो 2019 में 1,063 करोड़ थे और मार्च 2020 में भी सेम रहे और मार्च 2021 में 1,701 करोड़ में देखने को मिल रहे हैं हमें। करंट लायबिलिटीज जो है वो 3,813 करोड़ की हैं और अदर लायबिलिटीज जो हैं वो 6,184 करोड़ की हैं और टोटल लायबिलिटीज़ की अगर बात करें तो 6,601 करोड़ की जो करंट में टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो सुजलोन एनर्जी के पास में हैं अभी। और वहीं अगर इनकम स्टेटमेंट की बात करें तो टोटल इनकम जो है वो 1,615 करोड़ की अभी 2021 में जो है दिसंबर क्वार्टर में हुई थी और जून में क्वार्टर 1,148 करोड़ और सितंबर क्वार्टर में 1,361 करोड़ की हुई थी, यानी कि कंपनी जो है अच्छा खासा जो है इनकम भी जनरेट कर पा रही है अभी फिलहाल की डेट में। और हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं वो 16% पे हैं
और पब्लिक के पास जो हैं वो सबसे ज़्यादा शेयर्स हैं, लगभग 65% शेयर जो हैं मार्केट में वो पब्लिक के पास हैं। तो FIID की भी हल्की हल्की क्वांटिटी जो है अभी शेयर में अवेलेबल, तो बहुत ही शानदार मौका है अभी इन्वेस्टमेंट करने का, क्योंकि आने वाले टाइम में देखिए ये स्टॉक जो हैं बहुत भागने वाले हैं और मल्टी बैगर रिटर्न्स जो हैं ये स्टॉक आपको देंगे, तो फिलहाल आप इन स्टॉक्स को परचेज करके चल सकते हैं।